Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about educational thinker Paulo Freire. तो Paulo Freire एक famous philosopher and educationalist थे और वो ब्राज़ील से थे, इसलिए थोड़ा pronunciation देख लेना. और उनका ऐसा मानना था कि जो ये education है उसको हम रियलिटी में कैसे यूज़ कर सके, वैसा एजुकेशन होना चाहिए. और एजुकेशन है वो खाली मेमोरी बेस्ड, यानी कि हमने कुछ भी रट्टा मार के कोई भी एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया, फिर उनको हम सीख गए, फिर हमें बाद में उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है और उनको कैसे रियल लाइफ में कनेक्ट करते हैं उसका ज्ञान हमें नहीं है, तो वैसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए. और एजुकेशन वैसा होना चाहिए कि जो रियल लाइफ में और रियल वर्ल्ड में वो उसको हम यूज़ कर सके और कनेक्ट कर सके, वैसा एजुकेशन होना चाहिए. और उनकी एक जो बुक है पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम, ही मेड अ कंसीडरेबल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड इन एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम. तो ये बात उस टाइम की है जब फॉरेन कंट्रीज़ में इनफॉर्मल एजुकेशन भी हुआ करती थी. और इनफॉर्मल एजुकेशन है जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका अपोजिट. तो फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल और कॉलेजेस में दिया जाता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. और इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि हम कहीं से भी एजुकेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि आई जस्ट वॉच वीडियोज अबाउट एजुकेशन एंड आई लर्न फ्रॉम दैट सोर्सेस. यूट्यूब और ऑनलाइन एजुकेशन है, उनसे ही मैं सीख रही हूँ, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है एंड इट्स इनफॉर्मल एजुकेशन. सो नाउ इट्स वेरी रिलेवेंट. और अभी के टाइम पे इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट है वो आ गया है. तो एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू Paulo Freire, तो उनका ऐसा मानना था कि एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस अमंग द ऑप्रेस्ड. एंड जो ये ऑप्रेस सोसाइटी है उसको हमें तोड़ना है और जो साइलेंस है उसको हमें तोड़ना है. और हिज एजुकेशनल थॉट्स वर बेस्ड ऑन डेवलपिंग अ डायलेक्टिकल परसेप्शन ऑफ रियलिटी. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एनालाइजिज हाउ टू बी विद द पीपल सो दैट दे कैन डेवलप द वे ऑफ थिंकिंग. तो हमें जो लोग हैं वो अलग सोचते हैं उसके बारे में भी सोचना है और उनको भी हमें इंक्लूड करना है. हमें उन लोगों की सोच को और उनके जो थॉट्स हैं उनको भी हमें कंसीडर करना है कि ये भी रिलेवेंट है. और उनका ऐसा कहना है कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीक एंड फ्रीडम ऑफ थिंक एंड एक्ट इन ऑथेंटिक वे. तो हम सब लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए बोलने की, फिर सोचने की. और हमें जो एजुकेशन है उसमें भी ये सारी चीज़ें लानी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर और एक गोल है उस पर ही हमें काम करना है. और आउट ऑफ बॉक्स यू कांट थिंक. और Paulo Freire ने बोला कि हमें एजुकेशन ऐसा बनाना है जहाँ पर बच्चे और स्टूडेंट है वो खुद का सोच सके और आउट ऑफ बॉक्स भी वो सोच सके. ठीक है, फिर एजुकेशनल फिलोसोफी ऑफ Paulo Freire. तो अकॉर्डिंग टू हिम एजुकेशन शुड नॉट ओनली डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज ओनली, इट शुड ओपन माइंड्स टू हायर स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस. और उनका ऐसा कहना था कि जो एजुकेशन है वो खाली हमें फ्यूचर में क्या बनना है और क्या करना है वो ही हमें ना सिखाए, बट अभी रियल टाइम में और अभी प्रेजेंट में मेरे लिए क्या रिलेवेंट है वैसा एजुकेशन है, वैसा हमें बनाना चाहिए. द डेवलपिंग कॉन्शियसनेस अबाउट अंडरस्टैंड टू हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म रियलिटी, यानी जो रियलिटी है उसमें हम एजुकेशन को कैसे
रिलेवेंट कर सकते हैं, और रियलिटी में वो एजुकेशन कितनी हद तक हमें हेल्पफुल है और उनको हम कैसे ले सकते हैं उनके बारे में बोला है। ठीक है, चिल्ड्रन शुड लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट थ्रू डायलेक्टिक प्रोसेस, मीन्स आस्किंग क्वेश्चन, प्रॉब्लम पोजिंग, इंटरेक्ट विथ ईच अदर। और उन्होंने बोला कि जो चिल्ड्रन है वो इंटरेक्ट करे उनके जो फ्रेंड्स है उनके साथ, फिर डायलेक्टिक प्रोसेस यानी कि जो हम जो भाषा में हम जहाँ रहते हैं उस भाषा में ही हमारा एजुकेशन हो, यानी हम गुजरात में रहते हैं तो हमारा एजुकेशन है वो पहले जो छोटे बच्चे हैं उनका एजुकेशन है वो गुजराती डायलेक्ट में होना चाहिए, फिर कोई भी लैंग्वेज है उनको हम सिखाए तो कोई बात नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पहले हमें एजुकेशन है वो हमें हमारे जो मातृभाषा है और हमारा जो डायलेक्ट है उसमें होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जो बच्चा है और जो चाइल्ड है उसका माइंड है वो उसकी जो मातृभाषा है उसमें वो सीखेगा तो वो ज़्यादा क्रिएटिव और सृजनात्मक बनेगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज़ द कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम, एजुकेशन एज प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम अपोज एज अ प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन, लिबर्टिंग एजुकेशन कंसिस्ट इन एक्ट ऑफ कॉग्निशन, एजुकेशन इज नोइंग प्रोसेस रादर देन मेमोराइजिंग प्रोसेस। तो इनका ऐसा कहना है कि जो एजुकेशन है वो एक प्रोसेस होना चाहिए और उनमें खाली हमें याद करके रट्टा मार के कुछ भी सिखाए जाए वैसा एजुकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो टीचर है उसको क्या करना है, द टीचर टीचिज एंड स्टूडेंट्स आर टॉट, द टीचर नोज एवरीथिंग एंड द स्टूडेंट नो नथिंग। टीचर को ऐसे पढ़ाना है कि जो टीचर है उनको सब पता है और जो स्टूडेंट है उनको कुछ नहीं पता, और क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो स्टूडेंट और जो चिल्ड्रंस है वो खाली एक स्लेट की तरह होते और जो टीचर है और जो प्रोफेसर है उनका काम है कि वो स्लेट में सब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे। और ये बात उन्होंने भी बोली है कि जो स्टूडेंट है उनको हमें समझाना है और सिखाना है। द टीचर थिंक्स एंड द स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट, द टीचर टॉक्स एंड स्टूडेंट लिसन और मिमिक। और जो टीचर है वो स्टूडेंट को सिखा रहा है और कुछ भी बातें है वो बोल रहा है, फिर स्टूडेंट है वो उसको मिमिक यानी उसको इमिटेट करेगा, जो टीचर ने बोला है वो फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, द टीचर एक्ट्स एंड स्टूडेंट हैव द इल्यूजन ऑफ एक्टिंग थ्रू द एक्शन ऑफ द टीचर, यानी जो स्टूडेंट है वो इमिटेट करेगा कि जो टीचर ने पढ़ाया वो, और वो खुद से समझने का ट्राई करेगा। तो वो टीचर की जिम्मेदारी है कि टीचर है वो अच्छे से बच्चे को और स्टूडेंट को पढ़ाए। ठीक है, द टीचर इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वाइल द प्यूपिल्स आर मियर ऑब्जेक्ट। तो ये सब फ्रायर ने बोला कि टीचर को ऐसे रहना है और ऐसे बिहेव करना है, फिर उनके जो मेजर वर्क्स है उनके बारे में भी हमें पढ़ना है और उनकी जो बुक्स है वो भी हमें याद करनी है, क्योंकि जो पोलो फ्रायर जो थे वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और एजुकेशन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो उनके जो वर्क्स है वो भी हमें याद रखने हैं। कभी कभी नेट ये भी पूछ लेती है कि ये वर्क्स है वो किसने लिखे हैं, तो मेजर वर्क्स बाय पोलो फ्रायर है, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड, कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम, एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, पेडागोजी इन प्रोसेस, द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन इन कल्चर पावर एंड लिटरेसी, पेडागोजी ऑफ लिबरेशन, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम एंड पेडागोजी ऑफ द सिटी। तो इनके ये वर्क से ये भी हमें याद रखने हैं। सो इट्स ऑल अबाउट पोलो फ्रायरे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मेरी वॉल्स
वॉलस्टन क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद खाली दो ही थिंकर बाकी रहते हैं, मेरी वॉलस्टन क्राफ्ट, नेल नोडिंग्स और एंड सावित्री बाई फूले, फिर हमारे एजुकेशनल थिंकर से वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड होप यू विल लाइक माय वीडियो। बाय।